क्या मैं शायद इनफर्टाइल हो सकता हूँ, बच्चे कंसीव करने के लिए दिक्कत मुझे आ सकती है? तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे 5 महत्वपूर्ण कारण, इनके रहने से हमें कभी कभी इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। मैं डॉक्टर सुप्रिया पुरानिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। बहुत बार हमें प्रश्न पड़ता है कि मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स है, क्या मैं शायद इनफर्टाइल हो सकता हूँ, बच्चे कंसीव करने के लिए दिक्कत मुझे आ सकती है? तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे 5 महत्वपूर्ण कारण, इनके रहने से हमें कभी कभी इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले, आप जब 1 साल साथ में हो, सिर्फ साथ में रहने से मतलब नहीं, आपने 12 महीने आपके फर्टाइल विंडो में जब ओविलेशन होने वाला है उस समय में इंटरकोर्स किया हो, साथ में रहे हो, फिर भी 1 साल में आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो हाँ, हमें जरूर डॉक्टर से मिलना है। और हो सकता है डॉक्टर आपको कहीं जांचें कहने के लिए कहेंगे, तो डॉक्टर आपको कुछ जांचें करने के लिए बोलेंगे, और वो जांचों से कभी कभी पता चल सकता है कि 1 साल साथ में यानी कि फर्टाइल डेज में रहने के बावजूद भी हमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कभी भी ऐसे भी हो जाता है हमें शारीरिक संबंध बनाने के लिए कुछ दिक्कतें आती हैं, वो अच्छी तरह से हम शारीरिक संबंध बना नहीं पाते, क्योंकि कभी कभी लड़कियों में वजाइनिस्मस रहता है यानी कि वजाइना एकदम टाइट रहता है। और कभी कभी ऐसे भी होता है हमारी मानसिक स्थिति, मानसिक प्रेशर की वजह से इंटरकोर्स हम करने नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे मन में यही भावना रहती है कि इंटरकोर्स के दौरान मुझे बहुत पेन होने वाला है। तो जब ऐसी स्थिति रहेगी तो आपको जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। मैंने ऐसे बहुत सारे कपल्स देखे हैं, वो एक दूसरे के साथ रहने से खुश हो जाते हैं। मैंने ऐसे भी कपल्स देखे हैं जो साथ में रहते हैं, उन दोनों को ऑर्गेज्म लेने के लिए उनकी दूसरी टेक्निक्स है, लेकिन वो कभी पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं करते, यानी कि शुक्राणु वजाइना में यानी कि योनि मार्ग में नहीं जा पाते, यानी कि उस केस में स्पर्म्स योनि मार्ग के अंदर जाते ही नहीं है, तो कंसीव हम नहीं हो सकते। इसीलिए जब महिला को ये प्रॉब्लम रहता है कि उनको सेक्स करने में दिक्कतें आ जाती हैं, तो उन्होंने जरूर डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी कुछ टेक्निक्स रहते हैं जिससे हम उसकी मदद करते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट पुरुषों के बारे में रहता है, उनको कभी कभी इरेक्शन में दिक्कत आ सकती है, उनका पहले ही इजैक्युलेशन हो जाता है जिसको हम प्रीमेच्योर इजैक्युलेशन बोलते हैं। कभी ऐसे भी हो जाता है शुरू के टाइम में इरेक्शन रहता है लेकिन बाद में वो इरेक्शन चला जाता है, ऐसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन जब रहते हैं तो जरूर आपको डॉक्टर से मिलना है, और इस मामलों में आपको डॉक्टर आपकी पूरी तरह से हेल्प कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है उम्र, जब हमारी उम्र 35 से अबव है तो डॉक्टर आपको 1 साल के लिए ट्राई करो ऐसा नहीं कहेंगे, 2 से 3 महीने भी आपने ट्राई किया और कंसीव नहीं हुआ तो आपको तुरंत डॉक्टरी मदद लेनी है, क्योंकि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे हमारी अंडे की गुणवत्ता कम होती जाती है, उस वक्त डॉक्टर आपके ओवेरियन रिजर्व की जांच करेंगे। ओवेरियन रिजर्व में पहले डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी करेंगे, उसमें कितना एंट्रल फॉलिकुलर काउंट मीन्स अंडों की संख्या कितनी है वो देखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण टेस्ट डॉक्टर आपको बताने वाले हैं आपका एंटी मुलेरियन हार्मोन यानी कि AMH हार्मोन, वो वैल्यू क्या है। तीसरी महत्वपूर्ण जांच FSH लेवल, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जांच पीरियड के सेकेंड डे पे होती है। इन सारी बातों से डॉक्टर को पता चलेगा कि आपकी फर्टिलिटी कब तक रहने वाली है, क्योंकि आजकल ऐसे देखा गया है कि हमारे अंडाशय में ओवरी में अंडों का रिजर्व कम होना शुरू, बहुत ही जल्दी कम होना शुरू हो गया है, तो इसीलिए हमें जब हमारी उम्र 35 से ज़्यादा रहेगी तो हमें ज़्यादा
ज़्यादा समय तक इंतज़ार नहीं करना है, हमें डॉक्टर के पास जाना है। चौथी महत्वपूर्ण बात, आपकी मासिक चक्र अनियमित होता है तो आपके ओव्यूलेशन का आपको पता नहीं चलता। कभी कभी ओव्यूलेशन देरी से होता है, कभी कभी ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, और जब अंडा ही नहीं बनता और अंडा कब बनता है, कब फूटता है, उसका पता भी नहीं चलता, तो हमें कंसीव करने में जरूर समय लगने वाला है। तो उस वक्त भी आपको एक साल के लिए नहीं रुकना है, आपको डॉक्टरी मदद लेनी है। पांचवा महत्वपूर्ण कारण, जब आपकी पेट की सर्जरी होती है, स्पेशली जब लड़कियों के पेट की सर्जरी होती है, कभी अपेंडिक्स फूट जाता है, कभी आंत में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और आपकी सर्जरी करनी पड़ती है, जिसको हम एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी कहते हैं, जब आपका पेट का ऑपरेशन होता है, तो भी आपको ज़्यादा समय रुकना नहीं है, डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि पेट के सर्जरी की, पेट के इन्फेक्शन की कोई तकलीफ हमें हुई हो तो हमारी गर्भनलिका का कार्य या गर्भनलिका की पेटेंसी कम होने के चांसेस रहते हैं और हमें कंसीव होने में दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये पांच महत्वपूर्ण कारण हैं जिसे हमारे केस में इनफर्टिलिटी यानी कि वंध्यत्व होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे हम डॉक्टर बताते हैं कि एक साल आप ट्राई करते रहना और एक साल में आप नहीं कंसीव हुए तो हमारे पास आना, जिसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। लेकिन इन पांच कारणों में हमें एक साल तक नहीं रुकना है, हमें जल्दी ही डॉक्टरी कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। इस बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारे गायनेक इनफर्टिलिटी IVF रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।